This is Misham. Welcome back to my channel again, Customina. So guys, I hope कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे और सब लोग फिट होगे। तो दोस्तों, जैसे कि टाइटल थोड़े आपने देखा होगा, आज हम फाइनली अपनी कार में जो है प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करने वाले हैं। पर ये जो प्रोजेक्टर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अलग है हमारे नॉर्मल प्रोजेक्टर के कंपेरिजन में। बात करते हैं प्रोजेक्टर के रिलेटेड, तो जैसे ही आप प्रोजेक्टर का नाम सुनते हैं, आपके दिमाग में तीन चीज़ें स्ट्राइक ज़रूर होती होंगी। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्टर का काफ़ी टफ होता है। जैसे कि आपको पता होगा, पूरी हेडलाइट खोलनी पड़ती है और आपको इसके लिए प्रोफेशनल बंदा चाहिए, आप अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, जो प्रोजेक्टर हैं वो इंडिया में, मतलब मोस्टली इंडिया में हर जगह बैन ही है। कुछ कार्स में अलाव है, मुझे समझ में नहीं आता कि कंपनी जो चीज़ देती है उसका तो कुछ नहीं है, बट अगर कोई आफ्टर मार्केट लगा लेता है तो उसमें ये सब चलान करते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट वो इलीगल है। प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्टर को सिलेक्ट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी मैटर करती है। प्रोजेक्टर हर कोई इंस्टॉल कर लेता है, बट उसके अंदर जो HID LED आपने जो भी इंस्टॉल करी अंदर से, अगर वो फिट नहीं है तो फिर आपका प्रोजेक्टर कोई काम का नहीं है। रात में खाली शो के लिए आओ और कुछ भी मतलब ब्राइटनेस वगैरह नहीं देगा। इसके लिए फिर आपको फॉग लैंप्स अच्छे लगाने पड़ेंगे, मतलब कि प्रोजेक्टर की चॉइस करना भी एक डिफ़िकल्ट काम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपकी तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, तो आपको कैसा लगेगा? तो जी हाँ भाई, कि इस वीडियो में हम अपनी कार में इंस्टॉल करने वाले ऐसे प्रोजेक्टर जिसका इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, नॉर्मल बल्ब की तरह प्रोजेक्टर का इंस्टॉलेशन हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम लीगलनेस की बात करी जाए, तो यार देखो, वो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे दिखते नहीं है, मतलब नॉर्मली लगते हैं, तो कोई चांस नहीं एकदम से कोई इसे रोक लेगा। आपने नॉर्मली देखेंगे ना, प्रोजेक्टर थोड़े अलग से लगते हैं और बड़े लगते हैं, तो मतलब समझ सकते हैं कि उसमें चलान होने के चांसेस हैं। बट ये वाले कंफर्टेबली हमारी कार की हेडलाइट्स में फिट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऐसे दिखेंगे भी नहीं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है ब्राइटनेस। तो गाइस, ब्राइटनेस जो है मैंने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखी थी, क्योंकि भाई देखो, लाइट क्यों लगाता है इंसान रात में? एक अच्छी विजिबिलिटी के लिए लगाता है, प्लस बीम के लिए लगाता है, अच्छी खासी हमें बीम मिल जाए और अच्छे से रोड दिख जाए। किस वीडियो में जो हम LED यूज़ करने वाले हैं, उसी सेम कंपनी की मैंने LED पहले भी यूज़ करी और मुझे उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस लगा है। अगर आपको वाली LED लेनी होगी तो आप वो भी ले सकते हैं। ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, वो वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर लेना है तो इस वीडियो को आप देखिए एंड तक, आपकी सारी क्वेरीज जो है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। और आपको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, आप वीडियो को देख के अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में नाइट के सीन भी कवर करेंगे, प्लस डे टाइम पर भी चेक करेंगे कि उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो दोस्तों, प्रोजेक्टर मतलब काफ़ी मोटा खर्चा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो है ना, इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, कोई भी इसे आराम से अफोर्ड कर सकता है, आराम से। मतलब आपके जो कुछ प्रोजेक्टर हैं वो 5,000 से लेके 20-25,000 तक जाते हैं, मतलब 25,000 अप्रॉक्स तक जाते ही है, बट ये उसके आधे रेट का भी नहीं है। ये अप्रॉक्स आपको 3,500 का देखने को मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट अब ऐसा है ना गाइस, जितनी आप प्राइस पे करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा 25,000 अगर आप किसी चीज़ के देंगे, तो आप ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते कि आपको वो 3,500 की चीज़ दे देगी, बट सिमिलर रिस्पांस इन दोनों का रहता है। तो अगर आपको लेना होगा, आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। और अनबॉक्सिंग करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने पैकेज खोल लिया, और पैकेज के साथ हमें सिर्फ एक ग्लव्स मिलता है, मतलब एक साइड का ही ग्लव है, इसे भी रखते हैं साइड में। हमें जो मिलते हैं मेन हमारे बल्ब कुछ इस टाइप से, और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ एक बल्ब। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको प्रोजेक्टर लेंस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर LED है, ठीक है। अंदर से भी इसकी जो भी सिस्टम है, अभी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा पूरा। यहाँ पे जो आप ये नट देख सकते हैं, बहुत काम का नट है, बिकॉज ये जो नट होगा ना, जो लेवलिंग होती है ना, वो करने में हेल्प करेगा आपकी। जैसे कभी कभी होता है ना, बीम बहुत नीचे चली जाती है, तो आप उसे अंदर से, तो इंटरनल एडजस्टेबल लाइट्स होती हैं, बट अगर आप चाहो तो इससे, इसके हेल्प से भी आप उसे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको बल्ब देखने को मिल जाता है, मतलब हमारा जो प्रोजेक्टर लेंस है और किट पूरा ऐसे देखने को मिलता है। उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी यूनिट भी आपको देखने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पे H4 फिटमेंट मिल जाता है देखने को, ठीक है। तो आपके आराम से स्टॉक जो आपके कपलर्स होते हैं कंपनी के, उसमें फिट हो जाएंगे।
इंस्टॉलेशन से पहले सबसे पहले हमको यहाँ पे ना पीछे जो फ़ैन है उसे निकालना पड़ेगा, और फ़ैन निकालना बहुत मतलब आसान काम है, आपको सिर्फ उसे रोटेट करना है वो निकल जाता है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ैन हमारा पीछे से निकल चुका है और ये फ़ैन है इसके अंदर। अब आप सोच रहे होंगे चलेगा कैसे, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऐसे करंट की सप्लाई दी गई है इसमें प्रॉपर यहाँ पे, तो इसलिए चल जाएगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। इसे भी रखते हैं साइड में, इसका भी सेम खोल लेते हैं, और इसका जो कवर है बिल्कुल लास्ट में निकालेंगे जब हम इसको फिट करने जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दोनों इसके जो फ़ैन है निकाल लिया, और अब आप देख सकते हैं बल्ब बिल्कुल नॉर्मल हमारे कंपनी के बल्ब जैसे हो चुके हैं। दोस्तों इसका इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट करते हैं, और देख सकते हैं कि आप ये बहुत ज़्यादा बड़े लेंस नहीं है, छोटे लेंस हैं, तो आराम से यहाँ पे जो आपका होल है ना उसमें फिट हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको फिट करते हैं। सबसे पहले इसके बाहर का मतलब जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कवर है उसे हटा लेंगे, उसके बाद इसे फिट करेंगे, और इसे सबसे लास्ट में ही हटाएंगे क्योंकि होता है ना फिंगरप्रिंट के निशान आ जाएंगे तो शायद से लेंस उतना अच्छे से काम नहीं करेगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो बल्ब है उसे अच्छे से फिट कर लिया, और आगे से आप इसका लुक चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से लग रहा है दिखने में। और इंस्टॉलेशन मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल था, मैंने इसको यहाँ कहीं पे कैमरा फंसाया उसके बाद इसको दिखाया आपको। तो अब इसका आपको ये जो कपलर देख रहे हैं ना ये आपकी कंपनी के स्टॉक कपलर से लगाना है। उससे पहले एक बार इसमें डस्ट कवर भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, उससे होगा क्या कि अंदर जो हेडलाइट के अंदर डस्ट नहीं जाएगी और हेडलाइट की लाइफ बड़ी रहेगी। उसके बाद आपको जो ये गाइस देख सकते हैं ना इसके पीछे का फ़ैन है, ये फ़ैन आपको फिट करना है, तो फ़ैन वहीं ऐसे घुमा के फिट करेंगे तो आराम से फ़ैन फिट हो जाएगा। तो एक बार मैं इसे फिट कर लेता हूँ और फिर अपनी हेडलाइट कनेक्शन भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर एक बार आपको मैं इसका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ कैसे लग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमने जो है प्रोजेक्टर अपनी कार में इंस्टॉल कर लिए दोनों साइड की लाइट्स में, रिस्पॉन्स अब चेकआउट करते हैं कैसा लगने वाला है। वैसे गाइस एक चीज़ और, मैं इनको फिट करते टाइम ग्लव्स पहनना ही भूलिया, बट कोई बात नहीं, मैंने लेंस को पूरा ध्यान से मतलब लगाया, ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं डस्ट वगैरह चली गई। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर लेंस आपको दिख रहा होगा। तो सेम हमने दूसरी साइड से भी ऐसे ही कर लिया है, तो अच्छे से जो है लेंस वगैरह फिट हो गए। अब मैं आपको एक बार इसका डे टाइम का रिस्पॉन्स दिखाता हूँ हाई बीम और लो बीम में, और मैं थोड़ा कैमरे को दूर रखूँगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसा ये जलने वाला है। देख सकते हैं इसका रिस्पांस कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। भाई मुझे तो काफ़ी अच्छे मतलब बल्ब लग रहे हैं, और अभी जो है ना गाइस ये लो बीम पे सेट हैं, और मतलब भाई इसकी जो लाइट है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ठीक है, तो अभी एक बार मैं इसकी हाई बीम आपको सेट करके दिखाता हूँ। अभी जो है ना गाइस ये हाई बीम पे सेट हो चुके हैं, और मतलब और अपनी जो हेडलाइट भी वो भी वाइट्स हैं, और ये नीचे के बल्ब भी वाइट हैं, तो मतलब भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया ही लग रहे हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो है ना गाइस इलीगल भी है काफ़ी सारे पार्ट्स में, तो आपको जब ये इंस्टॉल करोगे तो अपने एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर चेक कर लेना आरटीओ की, क्योंकि इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में इलीगल है और मैं नहीं चाहता किसी का चलान हो। जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे से भी रात हो चुकी है, और ये टाइम बहुत बढ़िया होगा मैं लाइट्स को टेस्ट करने का। तो वैसे मैंने लाइट्स को टेस्ट करा, भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अब एक बार आप देख लीजिए, सबसे पहले अपने फॉग लैम्प्स को ऑन करता है, तो ये अपने कुछ फॉग लैम्प्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे से जो जल रहे हैं अपने फॉग लैम्प्स हैं, और ये अपनी DRL जल रही है, और छोटी सी जो पार्किंग लाइट्स हैं ना वो जल रही है। अब अपनी जो मेन प्रोजेक्टर लाइट है उनको ऑन करते हैं, तो गाइज़ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमारे प्रोजेक्टर लैम्प्स लग रहे हैं, और मतलब भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया इसका लुक आ रहा है। अब अगर हम अपनी जो फ्लैशर है मतलब जो हाई बीम है लो बीम उसे टेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। मतलब भाई मुझे तो काफ़ी सही लग रही है लाइट्स, एंड शायद से कैमरा उतने अच्छे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट जो इसकी अपेरेंस है ना काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी आपको मैं एक दो फुटेज दिखाऊंगा ना दूर से, तो इतनी ज़्यादा ये लाइट ब्राइट है कि इसको कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा है। और अभी मैं आपको एक बार थोड़ा चला के भी दिखाता हूँ गाड़ी।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइट्स लग रही हैं और मतलब भाई काफ़ी सही इनका अपेयरेंस आ रहा है। हाँ बट जो सामने से बंदा आ रहा है उसकी आंखों में 100% चुभेंगी क्योंकि देख सकते हैं हाई बीम इसकी कितनी ज़्यादा ब्राइट है, तो चांसेस हैं कि जो सामने वाला पर्सन है उसकी आंखों में प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो आप कोशिश करेगा इसको अपनी लो बीम पे ही चलाएं, जब हाईवे में चला रहे हो तभी इसकी हाई बीम ऑन करें। बाकी अगर हम रोड अपेयरेंस की बात करें तो भाई रोड अपेयरेंस बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूं तो आप देख सकते हैं बहुत कम होगी, जैसे मैं इसे ऑन करूंगा तो नीचे आप देख सकते हैं अच्छे से आपको विजिबल हो रहा है और वाइट लाइट है, काफ़ी चीज़ की विजिबिलिटी है। तो दोस्तों एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लाइट फिट तो कर दी बट अभी इसमें एक काम बचा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वो ये है कि इस लाइट को बिल्कुल अलाइन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना ऐसे है और फिर ऐसे है, तो वो मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कैसे करना है मैंने आपको बता रखा है, जो आपको नट मिलता है ना उसको ही आपको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, ये आराम से वैसे ही फिट हो जाएंगी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ना थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ये साइड थोड़ी ऊपर है वो साइड नीचे को हो रखी है बस। जैसे ही ये एक लाइन में आ जाएंगे ना तो आप समझ सकते हैं कि फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सामने से जो ना लेज़र जैसी निकल रही है, तो ये अपने को बहुत टाइम से चाहिए था और ये फीचर इस लाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब जैसे कि आपने देखी होंगी ना टोयोटा फॉर्च्यूनर और सब हाई एंड कार्स की लाइट्स होती है, सेम वैसी इसका भी रिस्पॉन्स है, बाकी लाइट काफ़ी अच्छी है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये लाइट्स भी अच्छी लगी हो। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लाइट्स लेनी होगी आप ले सकते हैं। तो गाइज सबसे बड़ा कारण यही है, ऑल ओवर इंडिया में इसके जो है चलान वगैरह होते हैं और भाई मैं जहाँ रहता हूँ ना वहाँ तो मतलब भाई बहुत ज़्यादा रूल्स जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तभी आपने देखा होगा मैं इस चीज़ को अवॉइड करता था प्रोजेक्टर वगैरह, क्योंकि भाई मुझे पता है ना जब भी मैं निकलता हूँ बाहर तो औरों की कार चेक हो ना हो ये गाड़ी ज़रूर चेक होती है। क्योंकि पता है हो क्या रहा ना, जैसे उत्तराखंड में आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है ना सिटी पेट्रोलिंग यूनिट घूमती है, CPU घूमती है, और उनको मेरी गाड़ी पता नहीं याद होगी कुछ मुझे नहीं पता, बट जब भी मैं कहीं उनको दिख जाता हूँ ना मेरे को पक्का गाड़ी रोकते हैं और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से चेक करते हैं। मतलब भाई चलान उन्होंने बहुत बार कर दिया है, इसलिए गाइस ये जो प्रोजेक्टर वगैरह है LED सब मैं हटा देता हूँ अपनी कार से। हेलोजन बल्ब उन्होंने से मुझे परमिशन दे रखी है, वो भी मैं हेलोजन थोड़े से बड़े वाट के लगाता हूँ, बाकी तो भाई पता ही आपको कितने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।